जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। हमारा चूंकि नाइन्थ क्लास का मेमोरी का टॉपिक चल रहा है और आज हम लोग इस सिलसिले में लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी को अगर हम लोग उसकी पेमाइश करना चाहें, उसका साइज कितना है, हम लोग किसी कंप्यूटर में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, कितना डाटा जो है हम लोग मूव कर सकते हैं, तो फिर हमें कम से कम उसके साइज के बारे में तो पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं कितना वेट उठा सकता हूँ, मैं कितना वेट कैरी कर सकता हूँ। किसी तरह से हम लोग जो है तो जब किसी लेट से के हमने जो एयर टिकट लिया किसी फ्लाइट का, तो तब भी यही होता है कि आप जो है वो कितना जो है वो वेट कैरी कर सकते हैं, उसका साइज कितना हो सकता है। तो इसी तरह से जब हम लोग जो है मोबाइल परचेज करते हैं तो फिर हम सबसे पहले यही बात करते हैं कि इसकी रैम कितनी है जी, इसके जो है वो मेमोरी का साइज कितना है। आईफोन की बात करें तो हम लोग पूछते हैं कि इसकी जो है वो स्टोरेज जो है वो कितनी है। तो फौरन से पहले हम लोग यही बात करते हैं कि कंप्यूटर या मोबाइल की जब मेमोरी का साइज कितना है, इसकी प्रोसेसिंग की स्पीड कितनी है, यानी कि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसका साइज भी होता है और हम लोग उसको पेमाइश भी कर सकते हैं। तो आइए चलते देखते हैं कि कंप्यूटर को हम लोग किस तरह से उसके मेमोरी के साइज को पेमाइश कैसे कर सकते हैं और उसका साइज कैसे मेजर होता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है, इसका जो सबसे बुनियादी यूनिट जो है, जो सबसे बुनियादी साइज है, बेसिक सबसे छोटा जो है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये बिट है। और बिट जो है वो क्या हो सकती है, जीरो या फिर वन, ये एक बिट है। जीरो भी हो सकती है या वन भी। उसके बाद अगर हमारे पास फोर बिट्स मिल जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या बन गया, ये निबल बन गया। कॉम्बिनेशन ऑफ फोर बिट्स जो है वो एक निबल बन जाता है। और इसी तरह से अगर हमारे पास आठ बिट्स मिल जाए तो आठ बिट्स जो है वो एक जो है वो बाइट बन जाती है। ये कंप्यूटर की मेमोरी है। जीरो या वन को हम लोग बिट कहते हैं और एक निबल मीन कि फोर बिट्स हैं और वन बाइट जो है वो एट बिट्स है, या एट बिट मिलके आठ एक बाइट बनाती है। इसी तरह से अगर मैं कहूं आपको कि 10-24 बाइट्स अगर मिल जाएं तो एक मेगाबाइट बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग थोड़ा सा आगे चले तो 10-24 मेगाबाइट्स हों तो एक गीगाबाइट बन जाती है। इसी तरह से हमारे पास 10-24 गीगाबाइट्स हों तो एक टेराबाइट बन जाती है। और 10-24 टेराबाइट्स हों एक पीटाबाइट बन जाती है। जी स्टूडेंट्स, ये है मेमोरी के साइज। हमने इनको इस तरह से याद रखना है, बड़ी सीक्वेंस है इसके अंदर के। वन बाइट का हमने 10-20 बाइट्स मिल जाए तो एक मेगाबाइट, इसी तरह से 10-24 मेगाबाइट मिल जाए एक गीगाबाइट, 10-24 गीगाबाइट मिल जाए एक टेराबाइट, और 10-24 टेराबाइट मिल जाए तो एक पीटाबाइट बन जाती है। इस तरह से हम लोग मेजर करेंगे तो मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो मैंने आपको बात बताई है उसमें सबसे जो बड़ा साइज है वो टेराबाइट का है और उससे बड़ा साइज जो है वो पीटाबाइट का है।
तो एक गीगाबाइट की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर 1024 मेगाबाइट्स हैं। तो जिस तरह से आगे आगे हम टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है, तो कंप्यूटर्स के अंदर जो है इन हार्ड डिस्क का, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का साइज जो है वो कम से कम हो जा रहा है, लेकिन इसका जो है उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो एक वक्त जो था वो आज से कुछ देर पीछे ही चले जाए तो साइज जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे हार्ड डिस्क के, लेकिन उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो थी वो कम थी। लेकिन बहुत वक्त ने जो चेंज लिया है इस आईटी के अंदर जो रेवोल्यूशन आया है उसमें जो है वो साइज जो है वो श्रिंक हो गए और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई है, और साथ साथ टेक्नोलॉजी के में भी वो बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट हुई है। तो ये हार्ड डिस्क पहले मैनुअल होती थी, उसके अंदर डिस्क से होती थी, अब जो है वो SSDs आ गई हैं जिसके अंदर डाटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली मूव करता है और उसकी स्पीड जो है वो अनबिलीवेबल जो है वो बढ़ गई है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको स्टोरेज मेमोरी के साइज का जो है वो पता चल गया होगा कि सबसे छोटा साइज जो है वो कंप्यूटर्स के अंदर एक बिट होती है, वो एक में भी 0 और 1, इसी तरह से वो बिट्स मिलके ही बाइट और बाइट मिलके ही मेगाबाइट, फिर मेगाबाइट मिलके गीगाबाइट और ये अप टू सो ऑन से चलता रहता है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। लेकिन एक बात और ख्याल रखिएगा कि लेक्चर जब भी आप सुनते हैं ध्यान से सुना करें, कंप्लीट सुना करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। आपके जो कमेंट्स हैं ये हमारे लिए बड़े पोटेंशियल का काम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।